हेलो दोस्तों, बियॉन्ड द स्टोरी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कहते हैं इस दुनिया में पाप और पुण्य के आधार पे आपके मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग या नरक का दर्जा मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग व नरक जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, यह सिर्फ हमारे मन की कल्पनाएं हैं और कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन हमारे बुजुर्गों का माने तो स्वर्ग है तो वह सुविधाओं से भरपूर जगह है जहाँ लोगों को खुशियाँ नसीब होती है। वहीं नरक में आपके पापों की वजह से आपको सिर्फ दुख व यातनाओं का सामना करना पड़ता है। स्वर्ग है या नहीं यह पता लगा पाना मुश्किल है, परंतु नरक है और वो भी इस दुनिया में, और वह है कैद खाना मतलब जेल। कभी कभी मृत्यु भी इतनी दर्दनाक नहीं होती जितना दर्दनाक होता है सालों के पीछे पल पल अपनी जिंदगी को खत्म होते देखना। इतिहास में ऐसी कई जेलें हैं जहां मौत ज़्यादा हसीन व आसान लगती है, लेकिन उसे पाना भी खुद के हाथ में नहीं। ऐसे ही एक जेल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में स्थित है, पेनिटेंशियरी जेल। इस जेल के सजा व तौर तरीके की कहानियां आज भी लोगों को अंदर से डरा कर रख देती है। इतिहास के पन्नों में यहाँ के कैदियों के दर्द की चीखें आज भी लोगों को बेचैन कर देती है। वेस्ट वर्जीनिया पेनिटेंशियरी जेल का निर्माण 1876 में हुआ था। यह कैदखाना 480 कैदियों के लिए ही बना था, लेकिन 1930 में इस जेल की कैदियों की संख्या 2400 से ऊपर हो चुकी थी। 1929 में इस जेल का पुनर्निर्माण करने का आदेश मिला था, लेकिन युद्ध की वजह से लोहे की कमी हुई और इसका निर्माण पूरी तरह से 1959 तक जाकर पूरा हुआ। सन 1986 में वेस्ट वर्जीनिया के सुप्रीम कोर्ट ने इस जेल के कैदियों को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित करने के कारण इस जेल को बंद करने का हुक्म दिया। यह जेल 1995 में जाकर बंद हुई। शुरुआती समय में यह जेल सबसे अच्छे सुविधाओं से लैस माना जाता था। लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं व जेल के कुछ दूरी में कोयल माइन भी था जिसमें काम कर कैदी कमाई भी करता और वर्जीनिया स्टेट अपना अंदाजित $14,000 की सालाना बचत भी करता। यह जेल को सन 1900 में श्रेष्ठ जेल का दर्जा मिला, लेकिन 1900 के बाद धीरे धीरे यह जेल कैदियों के साथ दुर्व्यवहार व शारीरिक यातना का केंद्र बन चुका था। यह जेल के रिपोर्ट के अनुसार इस जेल में 85 कैदियों को फांसी व 9 कैदियों को इलेक्ट्रिक चेयर के द्वारा मौत की सजा दी गई, लेकिन यह तो सिर्फ यह नरक का एक छोटा सा हिस्सा था। आत्महत्या, मर्डर व वायलेंट पनिशमेंट से सैकड़ों कैदियों की जान गई, लेकिन पुअर रिकॉर्ड मेंटेन के चलते सैकड़ों मौत आज भी राज बन के रह गई है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कैप्टन डब्ल्यू ई विल्कर्सन ने इस क्रूर गतिविधियों के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था। चार्ल्सटन में एक पत्रकार को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने कई बातों पर से पर्दा उठाया जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताते हुए कहा कि जेल के सेल सिर्फ एक ही कैदियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जेल के अधिकारी उस सेल में 3 से 4 कैदियों को तक को रखते थे। गर्मियों में तापमान 100 से 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता था। ठंडियों में यह तापमान कभी कभी फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता था। जहाँ एक कैदी को रखने में दिक्कतें होती थी वहाँ 3 से 4 कैदियों को ठूसना किसी टॉर्चर से कम नहीं था। कैदियों को इस कठिनाई में दिन के 23 घंटों तक रखा जाता था, बाकी का 1 घंटा खाना व शावर के लिए था। आगे की टॉर्चर सुनने से पहले यह टॉर्चर को हम आसानी कहेंगे, क्योंकि आगे जो बातें कैप्टन ने बताई शायद सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। द किकिंग जर्नी। टॉर्चर का अपना कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जेल में सब सरकार के द्वारा घोषित किए हुए गुनहगार थे, लेकिन जेल के अधिकारी अपने विकृत दिमाग से पीड़ित व आनंद के लिए कैदियों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते थे। इनमें से मुख्य टॉर्चर का नाम था द किकिंग जेनी। इस तरह के टॉर्चर में एक अर्ध गोला आकार के फर्नीचर पर कैदियों को नग्न अवस्था में लिटाया जाता था। उनके पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता था और हाथों को आगे की तरफ खींचकर रस्सी से बांध दिया जाता था, और ऑफिसर्स चमड़े के पट्टे से कैदियों को मर्मस्थल व शरीर के अन्य हिस्सों पर तब तक मारते थे जब तक वह थक न जाए।
इस पीड़ा से तकरीबन आदमी की मौत या वह अधमरा सा हो जाता था। यह टॉर्चर ऑफिसर्स उन कैदियों पर आजमाते थे जिनसे वह घृणा या नापसंद करते थे। तशूफ लाइन, यह एक ऐसा टॉर्चर था जिसमें कैदी को किसी फर्नीचर से आधा झुकाकर उनके हाथ को रस्सी से बांध देते थे, यहाँ तक उनके गर्दन को एक स्ट्रिप से बांध दिया जाता था ताकि वह सिर से गर्दन तक तनिक भी ना हिल सके। फिर एक ठंडे पानी को नली के द्वारा कैदियों के नाक के पास रखी जाती। पानी के बहाव इतना तेज होता कि पानी कैदी के फेफड़ों तक चला जाता, जिससे कई कैदियों की जान भी चली जाती थी। द इलेक्ट्रिक चेयर, इलेक्ट्रिक चेयर में कैदी को बिठाया जाता था और वह एक इलेक्ट्रीशियन होता जिसके पास तीन स्विच थी। तीनों स्विच दबाने पर 1700 वोल्ट की एक करंट कैदी के जिस्म में दौड़ती जिससे कैदी का हार्ट फेल हो जाता। उसके बाद 700 व 800 तक का वोल्ट तक का झटका देते जिससे कैदी का दिमाग पूरी तरह से झुलस जाता। सरकार को जेल में हो रहे गतिविधियों पर शंका होने लगी, इसलिए सन 1940 में सरकार ने अपने कुछ अधिकारियों को जेल में जांच करने के लिए भेजा। जेल के ऑफिसर्स ने बड़ी ही चालाकी से अपने सारे टॉर्चर के सामान को छुपा दिया और किसी भी शक के घेरे में न आकर अपने आप को बचा लिया। यहाँ का 1986 का मशहूर दंगा बहुत प्रसिद्ध है। 15 कैदियों की एक टीम ने, जिसे द एवेंजर कहा जाता था, एक दिन की बात है, छुट्टियों का समय था इसलिए जेल के स्टाफ बहुत कम मौजूद थे, ज़्यादातर ऑफिसर्स अपनी छुट्टी के लिए निकल चुके थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर द एवेंजर्स टीम ने वहाँ के सुरक्षा कर्मियों पर धावा बोल दिया और बाकियों के कुछ कैदियों ने भी इसका पूरा फ़ायदा उठाया। कैदियों ने वहाँ के मौजूद ऑफिसर्स को करीब 2 दिन तक बंदी बनाकर रखा। अब कैदियों ने वहाँ के ऑफिसर्स को शारीरिक यातनाएं देनी शुरू कर दी। एक चाइल्ड मोलेस्टर कैदी ने किसी दूसरे कैदी का सिर हॉलैंड का पंपकिन की तरह धड़ से अलग कर दिया और उसके दोनों आंखों को चाकू से चीर कर निकाल दिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि वहां पर मौजूद एक ऑफिसर यह सह न सका और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। जैसे ही दंगों पर अंकुश पाने में सरकार कामयाब हुई, वैसे ही उस ऑफिसर को पागलखाने में भेज दिया गया। कुछ दिनों के बाद उस ऑफिसर के सुसाइड की खबर अखबार में छपी। उसके बाद वहाँ के ऑफिसर्स ने कैदियों को दुगनी ताकत से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और यह 1995 तक चला। 1995 के बाद इस जेल की कहानी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। यहाँ अजीब गरीब पैरानॉर्मल गतिविधियों की बात सामने आई। यहाँ के आसपास लोगों ने रात के समय पे जोर जोर से चीखने की आवाजें आने का दावा किया। यह बात अब आग की तरह फैल गई। इसके बाद यहाँ पर लोगों का आना जाना व इस जगह के बारे में जानने की उत्सुकता को देखकर सरकार ने इस जेल को टूरिस्ट स्पॉट करार कर दिया। समय के साथ यहाँ पर आए सैलानियों व पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ने यहाँ पर एक सरकटे लाश वाले प्रेत का जिक्र किया। कहा जाता है कि यह लाश फ्रैंक हायर की है। फ्रैंक हायर शरीर से बहुत तगड़ा व वजनदार कैदी था। उसे फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी के लिए बहुत लंबी रस्सी बनाई गई और एक लंबे गेट के पास उसे लटकाया गया। शरीर का वजन ज़्यादा होने की वजह से शरीर धर से अलग हो गया और सिर वहाँ के लोगों जो पब्लिक एग्जीक्यूशन को देखने आए थे उनके पैरों पर जाके गिर पड़ा। लोगों का मानना है कि यह फ्रैंक हायर ही है जिसकी सिर कटी लाश आज भी आत्मा के रूप में भटकती है। दूसरी आत्मा शेडो मैन के नाम से प्रचलित है। वह के सैकड़ों सैलानियों ने इस आत्मा की मौजूदगी का अनुभव किया है। शेडो मैन के बारे में यह कहा जाता है कि यह आत्मा जॉन रॉबर्ट की है। जॉन रॉबर्ट किकिंग जेनी टॉर्चर का शिकार हुआ था। जॉन रॉबर्ट से पहले दो पीड़ित कैदियों का कहना था कि उन्हें रॉबर्ट से पहले प्रताड़ित किया। जब रॉबर्ट की बारी आई तो एक नए ऑफिसर ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी चमड़ी हड्डी से अलग न हो गई। उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी चमड़ी शरीर से मानो एक रुमाल की तरह लटकती हो, वैसा हाल हो गया। यह यातना रॉबर्ट सह न सका
और उसने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद रॉबर्ट की लाश को एक दीवार में चुनवा दिया गया, इसलिए आज भी रॉबर्ट की आत्मा शायद शैडो मैन बनकर भटक रही है। शैडो मैन ज़्यादातर किचन के पास कैफेटेरिया एरिया में पाया जाता है। उसी एरिया के पास एक जली हुई आत्मा का भी जिक्र होता है। कहते हैं कि एक बार तीन कैदियों ने एक कैदी को बॉयलर में बंद कर दिया था और बॉयलर को चालू कर बाहर से बंद कर दिया गया था। उस कैदी का पूरा शरीर झुलस गया था, जिसकी वजह से आज एक जली हुई आत्मा को पाया जाता है। आइसोलेटेड एरिया में टूरिस्ट के अकेले घूमने पर उन्हें खराब अनुभव का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों के अनुसार उनके बाल को खींचा गया या उन्हें जोर से दीवार पर पटकने तक का अनुभव उन्हें हो चुका है, इसीलिए लगभग कोई भी सैलानी वहाँ अकेले नहीं बल्कि एक झुंड में उस जगह को देखना पसंद करता है। आज भी हजारों कैदियों की भटकती रूहें चीख चीख कर अपने ऊपर हुए यातनाओं की झलक दिखाती है। इंसानों की विकृतियों का भयानक नमूना आज भी यह जेल दिखाता है। वहाँ के वीरान दीवारों को देखकर आज भी वहाँ के लोग स्वयं से जाते हैं। भूत प्रेत की बातों को न मानने वालों के लिए आज भी यह जगह किसी चुनौतियों से कम नहीं। रहस्य व मिस्ट्री की दुनिया से आपका परिचय हम फिर करवाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें और कमेंट्स के द्वारा अपने अमूल्य राय हमें देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मिस्ट्री को सुलझाने या किसी और आत्मा की दुनिया को समझने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।